So hello students, in this video we will discuss about case 2. Okay, if your team are in odd, अगर आपकी टीम odd में रहती है then आप कौन सा formula use करते हो. ठीक है, case 1 में हमने पढ़ा था हमारी टीम even में रहती है तो हम कौन सा formula use करते हैं. देन अगर हमारी टीम odd में आती है then हम cyclic method कैसे use करेंगे. So you can see here number of round कैसे होगा. number of round हमने even के लिए निकाला था कि n minus 1. ठीक है, but इसमें हमने n minus 1 नहीं निकाला है. जो हमारा n होगा, number of team जो होगी उतने ही number of round हमारे होंगे. ठीक है, जितनी हमारी number of team रहेगी उतना ही हमारा number of round रहेगा. So example number of team हमारी कितनी है, 5 है, and number of round कितना है हमारा, 5 है. ये बहुत ही ज़्यादा इजी है. अगर आपके पास ऑड में टीम आती है तो साइकिलिंग मेथड बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है. आपको कुछ नहीं करना पड़ता है. जितनी आपकी टीम है आपकी उतनी ही राउंड है. देन आपने क्या कर लिया, राउंड 5 है तो आपने 5 बॉक्सेस बना लिए. 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आपने बना लिए. देन आपने क्या करा, 1 2 3 4 इसमें आपने क्या करना होता है, उसमें आप 1 2 3 4 5 6 थी आपकी टीम में तो आपने 3 3 करके कर लिया था. 8 होती देन आप 4 4 करके कर लेते. बट आपके पास ऑड नंबर है तो दोनों तरफ क्या होंगे, आपके बॉक्सेस इक्वल नहीं हो पाएंगे. सो दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ता है, बाई देना पड़ता है. इसमें बाई हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन देना पड़ता है. बाई हमें कॉमन देना पड़ता है बिकॉज जो हमारी टीम के अपोजिट वाली टीम है उधर तीन टीमें हैं और उसके अपोजिट अगर हम तीन नहीं रखेंगे तो हमारा बैलेंस नहीं बन पाएगा. सो दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ता है, स्टेबल करने के लिए दोनों तरफ हमें बाई देना पड़ता है. हमें साइक्लिक मेथड को घुमाने के लिए हमें बाई देना पड़ता है. सो हमने बाई इसमें क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, क्योंकि इधर हमारी तीन टीमें हैं, इधर हमारी दो टीमें रहेंगी. सो इधर में प्रॉब्लम होगा. सो दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें बाई दे देना पड़ता है. हमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारी टीम यहाँ से यहाँ पे आती है डायरेक्ट, तो हमें इस वजह से यहाँ पे हमें बाई देना पड़ा. ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है. सेम प्रोसेस है, 1 2 3 4 हमारा सारा का सारा मेथड कंटिन्यू घूम रहा और ये वाली प्लेस यहाँ पे आ रही है, ये वाली प्लेस हमेशा यहाँ पे आ रही है. सो हमारा ये जो प्रोसेस चल रहा है बहुत ही इजी प्रोसेस है. ये हमारा साइक्लिक मेथड इसी वजह से कहा है क्योंकि ये पूरा एक राउंड में लेके चलता है टीम को. ठीक है, ये पूरा एक राउंड में लेके चलता है और ये वाली टीम कहाँ जाती है, यहाँ पे आ जाती है. ठीक है, आप हमेशा इस बॉक्स को देख के ये बॉक्स नहीं बनाना, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा मेथड पूरा का पूरा फिक्चर रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सो आपको हमेशा वही बॉक्स देख के बनाना है जो आपका पहले का वीडियो राउंड 4 है तो राउंड 5th आपका तैयार हो पाएगा, ना कि 3 राउंड को देख के. ठीक है, तो आप पहला वाला बॉक्स देखिए, पहला वाला राउंड देखिए कि वहाँ पर कौन सी टीम खेल रही है. देन वो देन उसका हम राउंड करते हैं. देन वो कहाँ पर वो प्लेस कर रही है. ठीक, कहाँ पे वो रिप्लेस हो रही है और कहाँ पे उसे लाना है. सो अगर आप पहले के बॉक्सेस देख के करने की कोशिश करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. सिर्फ आपको राउंड 5th बनाना है तो राउंड 4 ही देखना पड़ेगा आपको. और इस वीडियो में और ये वीडियो जो भी हमने बनाई है, एग्जामिनर जो भी है मोस्टली आपको 7 8 8 तक की टीमों का फिक्चर बनाने के लिए दे सकता है साइक्लिक मेथड में. 8 से ज़्यादा का नहीं देगा बिकॉज 8 से ज़्यादा का अगर वो देता है तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा. सो वो आपको 6 7 8 तक ही देगा. सो 8 से ज़्यादा नहीं देगा. तो बहुत ही ईजी ये मेथड है साइक्लिक मेथड. एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है या बनाने के लिए दिया जाता है और इस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये बहुत ही ईजी मैथड है. ओके, एग्जामिनर भी इसे 8 तक का ही फिक्चर बनाने के लिए ड्रॉ करने के लिए देता है.